नमस्कार। आज के कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार से हैं। चीन से झड़प के बाद थल सेना, नौसेना, वायुसेना हाई अलर्ट पर। दिल्ली में कोविड-19 जांच के लिए चुकाने होंगे अब सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपए। मणिपुर में बीजेपी के नेतृत्व वाली एन बीरेन सिंह सरकार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। बीजेपी के 3 विधायकों ने बुधवार को पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसके अलावा डिप्टी सीएम जय कुमार सिंह और 3 अन्य मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। वहीं एक निर्दलीय विधायक ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब कुछ समाचार कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाए गए संजय झा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कोरोना पॉजिटिव। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में लिया था उन्होंने हिस्सा। चीन को पहला झटका बीएसएनएल और एमटीएनएल में चीनी के सामानों पर रोक लगी। जी हां, सूत्रों के मुताबिक सरकारों ने बीएसएनएल और एमटीएनएल को निर्देश दिया है कि 4G के कार्य में किसी भी चीनी उपकरण का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। अगर कोई बिडिंग हो तो उस पर नए सिरे से विचार किया जाए। संचार मंत्रालय ने निजी कंपनियों को भी यह हिदायत दी है कि वो इस दिशा में ही नए सिरे से विचार करें। इन खबरों से ऐसा लग रहा है जैसे टेलीकॉम डिपार्टमेंट सबसे पहले चीनी सामान का बहिष्कार करेगा। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को सैलरी नहीं देने को अपराध घोषित करेगी मोदी सरकार। जम्मू के कटरा में भूख से 9 घोड़ों की मौत। घोड़े वालों के सामने रोजगार का संकट मंडरा रहा है। और इस बीच आ रही है राहत भरी खबर कि लगातार बढ़ रही है रिकवरी रेट। 16 जून को 52.46% था। कल और फिर कुछ नई खबरों के साथ मैं फिर आऊंगा। तब तक आप इस न्यूज को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें इसी चैनल को जिसका नाम है आपका देसी चैनल। नमस्कार।